चीज की खोज की जा रही थी कि आखिर वो चॉपर गिरा कहां, लेकिन अब खबर दुखद आ रही है। कल राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था, जिसके बाद 73 टीमें रईसी के रेस्क्यू में जुटी थी, लेकिन अब खबर है कि राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की इस हादसे में मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर क्रैश में ये अपडेट मिल रहा है, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री की दुखद मौत हो गई है। अचानक से ये खबर जब कल रात में आई तो हर कोई स्तब्ध रह गया। अचानक से ये कौन सा बड़ा हादसा हो गया? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान से लौटते वक्त हादसे का शिकार हुआ था। ईरानी मीडिया ने भी रेड क्रिसेंट के हवाले से ये बताया कि रेस्क्यू टीम की दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर मिल गया है। हालांकि ये जानकारी नहीं दी कि राष्ट्रपति रईसी और उनके साथ हेलीकॉप्टर पर सवार अन्य लोग जीवित हैं या नहीं। अब इसकी पुष्टि हो गई है, अब ये खबर सामने आ गई है। और राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर हादसे का जो शिकार हुआ था, इसके बाद 73 टीमें रईसी के रेस्क्यू में जुटी हुई थी। अब खबर ये मिल रही है कि राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के हादसे में दुखद मौत हो गई है। हालांकि जब ये दुर्घटना हुई थी उस वक्त पूरा ईरान दुआ मांग रहा था अपने राष्ट्रपति के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब यह दुखद खबर सामने आई है, जब राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत की खबर मिल रही है, इसके अलावा विदेश मंत्री की भी मौत की खबर मिल रही है। कल राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर अजरबैजान से लौटते हुए हादसे का शिकार हुआ था। मौसम खराब था, इसलिए रेस्क्यू में काफी ज्यादा दिक्कत आई। 73 ऐसे टीमें थी जो कि राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को तलाशने में पूरी शाम से लेकर देर रात तक लगी रही, लेकिन अब इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि राष्ट्रपति और विदेश मंत्री इस हादसे में मौत का शिकार हुए हैं। और हादसे वाली जगह से हेलीकॉप्टर का मलबा भी अब मिल गया है। अब इस पूरे मामले में जांच जरूर होगी, लेकिन इस वक्त ईरान के लिए एक दुखद खबर, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत की खबर मिल रही है। तो ईरान के टाइम के मुताबिक यह हादसा रविवार को दोपहर 1 बजे हुआ था। ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी है। हालांकि इलेक्शन को लेकर भी हर एक जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।